मैं उनको न्योता देने नहीं गया, हमने न्योता उनको कोरियर से भेजा है। आलोक कुमार जो है बीएसपी वाले, उन्होंने कहा कि आपको डाक के थ्रू निमंत्रण भेजा गया है। तो डाक के थ्रू जवाब हम भी दे देंगे। ये क्या बात हुई आप? जैसे जैसे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तारीख करीब आ रही है, वैसे वैसे इस पर सियासत तेज हो गई है। जहां अखिलेश यादव ने पहले कहा था कि उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन इस बात पर जब हमने तफ्तीश की तो 10 जनवरी तारीख याद रखिएगा, 10 जनवरी को विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा था कि हमने अखिलेश यादव को न्योता कोरियर से भेजा है, जिसके बाद अगले दिन यानी कि 11 जनवरी को अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देते हुए कहा था कि डाक से न्योता मिलेगा तो डाक से ही जवाब दे दिया जाएगा। आलोक कुमार जो है बीएसपी वाले, उन्होंने कहा कि आपको डाक के थ्रू निमंत्रण भेजा गया है। तो डाक के थ्रू जवाब हम भी दे देंगे। ये क्या बात हुई आप? लेकिन अब वो दस्तावेज सामने आ गया जिसमें ये प्रूफ होता है कि अखिलेश यादव को राम मंदिर का न्योता मिल गया है। जी हाँ, लेकिन इस पूरी कहानी में एक ट्विस्ट भी है जो हम आपको जरूर बताएंगे। 13 जनवरी को शाम 7:43 पर विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष ने एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा कि उनको अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण अभी नहीं मिला है। यादव ने यह भी कहा कि अगर उनको निमंत्रण पत्र के डिस्पैच होने के नंबर इत्यादि मिल जाएं तो वे निमंत्रण को ढुड़वा लेंगे। अखिलेश यादव को स्पीड पोस्ट से 10 जनवरी को भेजे गए निमंत्रण और स्पीड पोस्ट रसीद की प्रतिलिपि नीचे दे रहे हैं। अब इस डिस्पैच पर दिए गए आंकड़ों को जब हमने खंगाला तो एक दिलचस्प बात निकल कर सामने आई, वो ये कि अखिलेश यादव को भेजा गया निमंत्रण डिलीवर्ड हो चुका है, लेकिन ये डिलीवरी 13 जनवरी की शाम 6 बजे हुई, यानी कि आलोक कुमार के ट्वीट करने के सिर्फ 1:44 पहले ये निमंत्रण पत्र अखिलेश के पते पर डिलीवर हुआ। साथ ही साथ इन बयानों की एक एक कड़ी को देखें तो जिस दिन यानी कि 10 जनवरी को जब आलोक कुमार यूपी तक के माइक पर कह रहे थे कि अखिलेश यादव को निमंत्रण डाक से भेजा गया है, वो निमंत्रण पत्र उनकी बाइट के कुछ ही घंटे पहले या बाद में अयोध्या से किया गया। अखिलेश यादव को भेजे जाने वाला निमंत्रण पत्र 10 जनवरी को दिन के करीब 1 बजे पोस्ट ऑफिस से अयोध्या से भेजा गया, जब आलोक कुमार मीडिया में ये बयान दे रहे थे। ऐसे में अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि उन्हें अब तक निमंत्रण पत्र नहीं मिला है, तो इससे साफ हो जाता है कि 13 जनवरी की शाम तक अखिलेश यादव के सभी बयानों में सच्चाई थी कि उनको 13 जनवरी तक निमंत्रण नहीं मिला है। फिलहाल अखिलेश यादव ने अभी तक निमंत्रण मिलने को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जैसे ही अखिलेश यादव की कोई प्रतिक्रिया आती है यूपी तक आपको जरूर बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।